आगे एंड देन अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से। हम अभी हैं अराउंड 16 से 17 बाइक और कुछ सिंगल भी चल रहे हैं, तो थोड़ी सी ए भैया आराम से, मतलब आपको कैसे वगैरह चलना होता है इन रोड्स। आप करो, मैंने ग्लव्स ले रहे, दूसरे भी लिए थे मैंने राइडिंग वाले। तो बड़ा व्यू रहे ना, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है ना ये। पीछे वाले टायर में आपके हवा कम है क्या? देखो भाई अपना TVS लेके भाई किधर आगे पहुंच गया है। सो ये रहा, यहाँ से पानी निकल रहा है पूरा। आग लग रहा, आगे थोड़ा क्लोज जाके और आपको दिखाता हूँ। हवा कम है ब्रो, आपको बहुत चीजें अच्छी। और सो हेलो एवरीवन, और क्या हाल चाल सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आज की राइड कुछ ऐसी तगड़ी होने वाली है। और अभी हम निकले हुए हैं एक छोटी सी ट्रिप पे, जो कि 3 दिन का ट्रिप है हमारा। और हमारे साथ काफ़ी सारे राइडर्स हैं, सो वो तो आपको आगे पता चलने वाला है, क्योंकि 7-8 राइडर्स तो पीछे ही हैं एंड कुछ आगे निकल गए हैं। सो पहले उनको पकड़ते हैं, आफ्टर दैट आपको बताते हैं कि भाई आज और धुंध इतनी है ना जम्मू में इस टाइम पे। और हम यहाँ से जा रहे हैं बसंतगढ़ डुडू वैली। बहुत कम लोगों को मालूम होगा जम्मू के, अगर प्रॉपर हैं तो दे नो कि डुडू वैली कहाँ पे है। और कुछ राइडर्स आगे निकल गए हैं, कुछ राइडर्स अभी पीछे ही हैं। सो ओके, सो तो ये रहे हम लोग। 1-2 अराउंड 20 राइडर्स हैं अपन भाई, मज़े आने वाले काफ़ी। ये रहे अपने जम्मू हिल, इनका मैं आपको इंट्रो पूरा दूंगा आगे, जो ये HRC क्लब है जो जम्मू का। साथ निकले हैं क्योंकि मेरे नॉन में थे ये, तो हम निकले हैं राइड पे और मज़े आने वाले हैं लिटरली बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि हम कैंपिंग करने वाले हैं, ट्रैकिंग करने वाले हैं एंड पूरा मतलब सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, नया है सब कुछ ये। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। निकल चुके हैं, धुंध बहुत है जम्मू में, ठंड बहुत है, बट हमने सब सारे इक्विपमेंट जितना भी था हमने सब कुछ ले लिया था। सो 6:30 बजे के हम आए हुए हैं और भाई बहुत ठंड है यार, वैसे लग नहीं रही है मेरे को, थोड़ी मुंह पे वो हो रही है, हवा पास हो रही है। मैंने इसका वाइज़र भी चेंज करवाया था, पहले इस पर थोड़ा ब्लैक वाला वो था, अब मैंने इसका चेंज करवा दिया था, ट्रांसपेरेंट कर दिया है, क्योंकि डीफॉगर इस पर लगता नहीं है। डीफॉगर के लिए मेरे को नया लेना पड़ेगा हेलमेट। तो हियर इज़ आर राइडर्स। सो ये 3 बाइकें आगे निकल रही हैं, ये फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। कैट द लाइट्स मैन, इन्होंने पूरा मॉडिफिकेशन करा हुआ है। एक राइडर की लाइफ क्या होती है वो पूरा हम आज आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे, क्योंकि भाई स्नो ट्रैकिंग करने जाना है भाई, स्नो ट्रैकिंग भी होएगी, बॉनफायर, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग वी आर डूइंग दिस टाइम। सो ये चीज़ें काफ़ी सही होनी चाहिए। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है और पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कैसे हम वहाँ पे रहेंगे, कैसे हम सर्वाइव करेंगे। दो दिन जितना है कि वहाँ पे -5 तक जाने वाला है, क्योंकि जब भी जम्मू में बारिश पड़ती है सर्दी के टाइम पे, कभी वहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो जाता है। सो बेस्ट थिंग ये है कि भाई बर्फ़ होने वाली है लिटरली, मैं बर्फ़ जो है अभी अराउंड 18-19 साल के बाद देखने वाला हूँ। सो ये मेरे लिए बहुत वो बड़ी चीज़ है, कुछ नया सोचा आप लोगों के लिए करने के लिए यार, और आप भी सोचो कुछ हमारे बारे में और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और वीडियोस अच्छे लगेंगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, कमेंट भी करो। हम आगे जा रहे हैं ना भाई, उतना इतना धुंध हो रहा है ना, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। सो जब भी आप अगर यहाँ से निकल रहे हो कभी, तो इंडिकेटर्स देके चलो, ताकि अगले वाले को परेशानी ना हो, क्योंकि धुंध बहुत हो रहा है लिटरली, पूरा आसमान इतना बुरा हो रखा है। सो ये रहा फर्स्ट चेक पॉइंट, चेक पोस्ट, और बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है लिटरली। सो अभी हम क्रॉस करने वाले हैं टोल प्लाजा, हम लोगों के लिए फ्री है और
हमको ना ही देना पड़ता रहा बाबा, हमको फ्री में निकलना पड़ता है यहाँ से। सो ये भी है, बेस्ट थिंग इज दिस कि हमें टोल नहीं भरना पड़ता है। भाई धुंध बहुत हो रही है लिटरली, भाई साहब इतना कोहरा है ना, मतलब मुझे लगा था कि इतना नहीं होगा बट बहुत है, बहुत दिख रहा है। आगे राइडर्स घूम हो रहे हैं, तो बेस्ट ये है कि आपको इंडिकेटर देके चलना है एंड पीछे वाले को, आने वाले को भी दिक्कत ना हो और जो आपके आगे चल रहे हैं उसको भी दिक्कत ना हो। सो होप फॉर द बेस्ट। और अभी आने वाला है पहला टनल, नेशनल हाईवे टनल, छोटा सा है। ओह भाई यहाँ से ऐसे निकलता कि आप दूसरी डायमेंशन में आ गए भाई। ओह जो लाइट्स होती है ना कैम इसकी, इसमें कैमरा में जैसे शो होता है, ऐसा लगता है कि आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए हो। सब बेस्ट थिंग ये लगता है मेरे को यहाँ पे, कैमरा में मैंने कभी भी देखा है, आप लोगों को भी दिखाऊंगा, तो ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी डायमेंशन में चले गए हो। सो ये बहुत कूल है। और आगे एक और ट्रेन आ चुका है अपना, तो ठंड तो बिल्कुल नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने अंदर से बहुत कुछ पहना हुआ है। एंड द थिंग इज कि नीचे वाले में थोड़ा सा उसका, मुझे लगा था कि बारिश होगा, हमें रेनकोट लगा के जाना पड़ेगा, बट अच्छा हुआ कि नहीं हुआ वैसा कुछ भी। और हमको यार वीडियो बनाने के लिए मैंने स्पेशली कुछ फिट करना था बट वो हुआ नहीं। सो एक फील ही अलग रहता है यार एक राइड पे जाओ ना, वो भी आपके साथ 10-15 लोगों विद मतलब सब कुछ, मतलब ऐसे देख रहे हो एकदम कूल लगता है यार। सूरज एकदम चीरता हुआ निकल रहा है, लुक एट द व्यू मैन, भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है ये चीज़ देख रहे हो। अरे भाई साहब नेक्स्ट लेवल। सो अभी हम रुके हैं उधमपुर में और सारे बाइकर्स का वेट कर रहे थे, अभी तो सारे बाइकर्स आ चुके हैं हमारे पास, यहाँ पे सारे आ गए हैं एंड देन अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से, आगे कुछ देखते हैं अगर थोड़ा सा मिलता है टाइम तो, और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। बाकी हम अभी हैं अराउंड 16 से 17 बाइक्स हैं हमारे पास और 20 से 21 लोग हैं क्योंकि किसी पे डबल भी हैं और कुछ सिंगल भी चल रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 17 बाइकें हैं और 21 लोग हैं। सो फाइनली अब निकलते हैं यहाँ से, थोड़ी सी डिस्कशन वगैरह हो रही थी कि मतलब कैसे आपको चलना है हाईवे पे और हाउ यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग, मतलब सब कुछ आपको फॉलो करना है, यू हैव टू। ए भैया आराम से। सो सारे रेडी हो रहे हैं, मज़ा आ रहा एक्चुअली में, ये फर्स्ट राइड है मेरा तो एक्सपीरियंस मिल जाता है बंदे को कि हाउ यू हैव टू, मतलब आपको कैसे वगैरह चलना होता है इन रोड्स, आपको ऐसे नहीं कि कभी इधर काटा कभी उधर काट लिया, सो यू हैव टू मतलब फॉलो जो लीड करते हैं आपको उनको फॉलो करना है आपने। एंड तो ये शुगर करो मैंने ग्लव्स ले रहे, दूसरे भी लिए थे मैंने राइडिंग वाले, ये तो दूसरे हैं भाई, अगर ये नहीं लेता तो मेरी हालत ख़राब हो जाती डंड के मारे। तो भाई व्यू देखो इधर, भाई एकदम तगड़ा व्यू हो रहा है ना, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है ना, ये नेक्स्ट लेवल अल्टीमेट। पीछे वाले टायर में आपके हवा कम है क्या आपके? हाँ मुझे लग रहा है एक्चुअली कम है, एक बार चेक कर लो। हाँ 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 कोई तो मुझे लगा एक्चुअली, तो मैंने इनको बता दिया। और वो देखो भाई अपना TVS लेके भाई किधर आगे पहुंच गया है। सो इंडिकेटर आपको ऑफ नहीं करना है कि ताकि आपको पता रहे कि आपके साथ कौन कौन है। एंड सो ये रहा, यहाँ से पानी निकल रहा है पूरा, अगर आपको दिख रहा होगा पूरा GoPro में, भाई साहब क्या बाइट में वो चल रहा है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद पानी है भाई, नेक्स्ट लेवल, खूबसूरत लग रहा है। आगे थोड़ा क्लोज जाके और आपको दिखाता हूँ,
हवा कम है यार, हवा कम है ब्रो, लिटरली। सो ये रहा यार, बहुत खूबसूरत लग रहा है यार भाई, मजे एकदम भाई। जम्मू में इतना कुछ है देखने को, तो वही चीज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमें मौका दो, मौका आप ऐसे दे सकते हो हमें चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आगे आपको बहुत चीज़ें अच्छी और मिलने वाली हैं।